बोर एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चटपटा चौक है, चटपटा चौक है, चटपटा चौक है, चटपटा चौक। चलो 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 आते जाइए, आते लिया आते जाते चिल्ली बाबा आए केंद्र केंद्र से हमने यस को बड़ा कामयाब चाप मार के पकड़ा है। आगे जा। अरे ताड़ा बाजी, ये आलीजा कौन है? सर ये जो वलीमे का सूट पहना खड़ा होगा ये सेवा वाला आदमी, ये आलीजा। अच्छा तो ये आलीजा जिसके खिलाफ मोहल्ले वालों ने बड़ी शिकायतें लगाई हैं। जी सर, ये फ्रॉडिया एक नंबर का, लोगों से पैसे लेता है और झूठ मूठ की बातें बनाता है। नहीं नहीं सर, मैं तो मशहूर जमाना जनाना मर्दाना शबाना प्रॉमिस तो सर, मैं तो टीवी पे भी आता हूँ। वो तुम टीवी पे क्यों आते? तुम टीवी पे क्यों आते? रिक्शे में क्यों नहीं आते? बाबा टीवी पे आते हो, मैंने तो कभी नहीं देखा। आपके घर चाइना का टीवी होगा सर? चाइना का टीवी नहीं है साहब के घर, वो चाइना का फिल्म देखते। इनको चाइनीज आती है? सुबह सुबह आती है 5:45 बजे। चाइनीज नहीं आती, चाइनीज नजर आते हैं खाली देखते हैं। हाँ, जो कुछ सेफ देखते है ना उसमें चाइनीज जबान सीखने का जरूरत नहीं पड़ते। अरे तारा तुम आदमी है क्या है? अरे बोलो इसने क्या किया है? ये सट्टेबाजी भी करता है, जुआ भी खेलता है और मैच फिक्सिंग भी कराता है। नहीं नहीं सर, मैं तो इल्म की मदद से जीतने वाली टीम का नाम पहले बता देता हूँ। इसी बात का तो हमको दुख है, हारने वाले का बाद में क्यों बताता है? बाद में क्यों बताता है? मारे जा रहा है ये। आ बाबा, ये जुआ ही तो है सट्टा। अच्छा बाबा आप लोग बाहर तशरीफ ले जाए, मैं जरा से पूछता हूँ कि जुआ चलाता है तू? सर मैं बाहर बैठा हूँ, कोई गड़बड़ हो ना तो मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। बाबा सख्ती बार नरमी अंदर। चलो बार। सर अच्छा अच्छा मैडम मैडम कांस्टेबल कमर रिपोर्टिंग। मैडम ये तेरा नाम कमर है? कमर नहीं, कमर काफ से कौ कमर। अच्छा अच्छा मैडम, वही आपका फेवरेट सॉन्ग तेरे रस के कमर पहली नजर। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें ना करो, मेरी बात सुनो गौर से। हमारी जो SHO साहब है ना वो बड़ी सख्त है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? SHO साहब के लिए? अरे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए पावली। अच्छा समझ गई मैं। हाँ एक और बात सुन लो कान खोल के, वो साथ वाला जो थाना है ना उसका जो कांस्टेबल है ना बड़ा ही छिछोड़ा है, उससे बच के रहना पड़ेगा। किसको? आपको? अरे तुमको कमरा। अच्छा अच्छा ये भी समझ गई। शाबाश, अब बाहर जाओ और जाकर सब पे नजर रखो, अगर कोई गैर कानूनी काम करता हुआ नजर आए ना उसे फाड़ के इधर ले आओ मेरे पास। मैडम थाना छोटा पड़ जाएगा, बाहर तो हर कोई गैर कानूनी काम कर रहे। ए बहन तू बस खामोश रहे। ए मैडम साहिबा आप इसको बाहर ही खड़ा रखिए, क्योंकि इसको अभी कोई अंदाजा ही नहीं हमारे रूल्स का। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर कोई भी जाना पहचाना मर्द गैर मैडम नजर आए ना उसे फाड़ के इधर ले आओ। ओके मैडम, मैं आपके जानने वाले तमाम मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या करे तुम्हारा? सर अब इस थाने के SHO हैं, बड़े आदमी हैं, आपका तो हाथ भी बड़ा होगा, दिखाइएगा सर। अच्छा बाबा तुम हाथ दिखता है, दिखाओ हाथ। नहीं नहीं पता तो चले कि तुम्हारा इल्म सच्चा है कि झूठा। ले रहा टिन डब्बा, ले पुराना सामान, ले रद्दी पेपर, ले लालू की चप्पल, ले भूसे टुकड़ा लिया। बाबा ये और तो वाले एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? सर ये तो बड़ा मसला है, मुसीबत आने वाली है घर पे। अब बाबा वो तो पहले ही मेरे घर में है मेरी बीवी। अरे नहीं सर, घर वालों पे मुसीबत आएगी। आपके घर में कोई जानवर पला हुआ आपके अलावा? हाँ बाबा एक बिल्ली तो है। तो बिल्ली अपने ऊपर मुसीबत ले लेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ बे भाई बोलो, क्या मर गई? अच्छा बाबा ठीक है, बाबा ठीक है बात करो। क्या हुआ सर? अरे वाह, अरे बाबा घोड़ा, अरे घोड़ा तुम्हारी बात तो 100% सही निकल आई है, बिल्ली मर गई। मैंने पहले ही कहा था सर, दोबारा हाथ दिखाएं। हाँ बाबा जरा चेक करो, बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, एक और मसला है सर। बाबा हमारे घर में दूसरी बिल्ली नहीं, अब क्या मुसीबत है बाबा? नहीं सर ये मुसीबत टलेगी नहीं, आपकी जिंदगी की लकीरें कुछ कह रही हैं। बाबा क्या कह रही है लकीरें? कुछ बातें करो, बताओ क्या कह रही है लकीरें? आपकी जिंदगी की लकीरें खत्म हो रही हैं, आप मरने वाले सर। 24 आवर्स बहुत
अहम है। अरे बाबा क्या बोल रहे हो, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली। अरे बाबा आपके चैन से छुरी मंगाओ, लकीर गाड़ी करो बाबा जिंदगी की। अब कुछ नहीं हो सकता सर, आप सीधे रास्ते पे चले, खुदा से लॉ लगा लें, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ऐसे तो ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी मत छोड़ें, नौकरी सरकारी है। बुरी आदतें छोड़ें, करप्शन, गंदी बातें, गंदी सोच, रिश्वत, ये तमाम चीजें छोड़ें, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे घोड़ा रे घोड़ा, बाबा ये सब छोड़ दिया तो जिएंगे कैसे? बरहाल मौत तो बरहाल के डर तो लगता है ना बाबा। बाबा मैं अब कोशिश करूंगा कि हर चीज से तौबा कर। बिल्कुल, यहाँ मुझे मौला बचाए। मुझे मौला वो कैसा बात करते बेगम, 40 किलो बैंगन लेके आने, क्रिस गेल को काला खिलाने क्या? तू रिवर्स गेम में जा रहा था वाकई? इधर जाते हैं, ये इधर रुक जाओ, खाना बरंदाज का बच्चा वाए जाली शाह, ये इधर आ। सर मैंने सुना ये बंगाली है, बंगाली तेरी मां से चीनी मां से चीनी है। क्यों मेरा पास सुनो, तू सेला में भी क्या है? नहीं नहीं सर, मेरे अब्बा बांग्लादेश के थे, मैं थोड़ी हूँ। एक बात बता, तेरी माँ किधर की थी? पाकिस्तान की, पाकिस्तान की। अच्छा अच्छा, यानी के मशरक की और मगरबी पाकिस्तान यक हो गया है। तेरा हमको ये बताओ तू किधर पैदा हुआ? बॉर्डर पे? नहीं सर, अस्पताल में। सर आपको पता है ये दबे दबे कदमों से ना भाग रहा था। क्यों हुआ है? कदम दबा दबा के क्या रहा था तू? नहीं सर मैं भाग थोड़ी रहा था, वो तो एसएचओ साहब ने खुद कह दिया कि जाओ। तू बड़ा नन्ना है, एसएचओ साहब बोले मेरी बेटी से शादी कर ले तो कर लेगा? एसएचओ साहब ने तुमको जाने का कह दिया? मेरे को हैरत है यार, मेरे को यकीन नहीं आते। वैसा जा, जा जाके पता तो कर क्या ना रहा। सर सर अभी पता चल जाएगा, तुम तो बोल रहे वो सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे वो ये? सर सर मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा, एसएचओ साहब नमाज के लिए वजू कर रहे थे। खुदा पाका वो नहीं निकला, वो सही से बताओ, कसम खुदा सही बोलते। हाँ ये देखें सर, वो कह रहे थे कि आली जाको ना, जाने दो। देखा सर, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जाओ। अब मैं जा सकता हूँ सर? बोल बोल रही है तो फिर तू जा, जा करना सर। आपने क्यों जाने दिया? इसके खिलाफ तो बहुत सारी रिपोर्टें हैं। वो कैसा बात करते है, इसको तो फिर किसी वक्त पकड़ लेगा। पहले अंदर चल के सच्चों को पकड़ो और मेरे मन में पता करो वो क्या करते। आराम से बाबा, ये एक बात बताओ, ये जोर की कितनी रकातें होती है? शुक्र है जान छूटी। आलिया तुम आलिया हो ना? नहीं नहीं अब नहीं, मैं आलिया नहीं हूँ। नहीं रुक जा, सुन, कहीं भागा है बच्चू, यही तेरा ठिकाना है। मुझे बचा, मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अरे स्टॉप, ये तेरे को अस्पताल नजर आ रहा है और मैं तेरे को डॉक्टर नजर आ रही हूँ। वाह पहुंची वहीं पे कागजात का खमीर था, वाह 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 वाह, ये मुसारा हो रहा है होने ये। अरे मैडम ये मशहूर जमाना फार्मिस्ट है आलीजा। ओ हो हो, सरकार तशरीफ लाइए। माई महाराज जलवा अफरोज हो गए हमारे थाने में, तो करो किंग की तरफ कर दो फायर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकसूर का बार्डर हूँ भाई। हाँ हाँ, कसूर तो उन लोगों का है ना जो तुझे पैसे देकर अपनी किस्मत का हाल पूछते हैं। हाँ वैसे बात तो सच्ची है, कसूर तो उन्हीं लोगों का होता है ना जिनका ईमान कमजोर होता है, जो ऐसे पीर बाबा जाली नजूमियों के पीछे अपने आप का ईमान भी खराब करते हैं, इनकी बात पर यकीन करते। मैडम मेरा तो काम बस हाथ देखकर लोगों की किस्मत का हाल बताना है। झूठ बोल रहा है मैडम, झूठ बोल रहा है, ये ना सट्टे के नंबर भी बताते हैं और मैच फिक्सिंग भी कर चुका है ये। अरे वाह, ये तो हमारी बड़ी कामयाबी है। जाओ मैडम समीम को बताओ कि हमने आलीजा को बरामद कर लिया है। बरामद कर लिया? मैं क्या मंशियात हूँ जो बरामद कर लिया? ओके मैडम। क्या रहा जाली बाबा? बाबा नहीं, आली जा मैडम, आली जा। काय का आली जा? अभी देख तेरा क्या हसर करेगी मैडम समीम। समीम मैं क्या पाजा, अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे आप तो अनार का वो दाना लग रही है जो अनार में होता ही नहीं है। आप जैसा इस थाने में क्या पूरे इलाके में नहीं होगा, आतिश फिशा औरत लग रही है आप माशाल्लाह। हैं सच खुदा की कसम, देख मेरी बात सुन, चूड़ा मारना मेरे साथ भाईजान। वैसे ना एक बात तो बताएं, आप लोगों के साथ इतने फ्रॉड क्यों करते हैं? सादा लू लोग हैं, जो बताओ मान जाते हैं, बस अपना कारोबार चल रहा है सादगी के साथ। वैसे एक बात बताऊं, मैं सितारों पे बड़ा यकीन रखती हूँ,
ये हफ्ता कैसा गुजरेगा मैं हमेशा रसाले में पढ़ के छोड़ती हूँ। अच्छा वाह वाह, तो फिर ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? अब इस हफ्ते के बारे में मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं कि कैसा गुजरेगा कैसा नहीं गुजरेगा, आप बताए ना। अरे मैं गुजारता हूँ ना आपका हफ्ता, मेरा मतलब है मैं बताता हूँ, जरा हाथ दिखा। क्या हाथ भाई जान, बोना ना हो क्या, आप मुझे कहीं हाथ ही दिखा दे। ये ले ये ले, देख ले आ रहा टिंडबल या पुराना सामान ले आ रहा, पेपर ले लेंगे चप्पल। अरे भाई आपकी जिंदगी में एक निहायत नेक शरीफ ईमानदार आदमी आने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मिलेगा मैं बताता हूँ आपको, और ऐसा मिलेगा कि अगर आपने उसको पटा लिया तो आपकी उम्र 20 साल कम हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है, तुम्हारा मतलब है कि 20 साल यानी कि 20 साल पहले मैं मर जाऊंगी? मेरा मतलब है आप कम उम्र लगने लगेंगी मैडम। क्या वाकई सच्ची खुदा की कसम है, जल्दी से बताओ कि ऐसा ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? वो जो बराबर वाले थाने में है ना, SHO नूर, वो है वो SHO नूर, डाल दफा दूर, वो तो इंतहाई करबट इंसान है। ओ बाबा। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं अभी अभी उनका हाथ देख के आ रहा हूँ, इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी है वो, आप उनसे मिलके तो देखे, अगर आपने उन्हें पटा लिया तो आपकी उम्र 20 साल कम हो जाएगी। ओए होए, तो न्यू एंट्री है, जन्नत की हूर है इसलिए मगरूर है। अच्छा एक बात तो बता, तो इस दुनिया में आई क्यों है, किस चक्कर में? अच्छा तो तुम हो वो कांस्टेबल जिसके बारे में मैडम ने मुझे वार्न किया था? मेरे बारे में वार्न किया था? अबे क्या हो गया, अबे मैं तो बड़ा बेजर सा जानवर हो। अबे नहीं बे, ऐसी की बात नहीं है, मैं इंसान हूँ, खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, जहाँ कहीं खूबसूरती देखता हूँ बस दिल फेंक देता हूँ। अच्छी सूरत का? अबे अपना और किसका। अच्छा अच्छा समझ गई। वाह यार क्या बात बोली है, तुझे पता है मुझे ना समझदार लड़कियाँ बड़ी पसंद है, ये फटाफट समझ जाती है, टाइम जाया नहीं करना पड़ता। किसको, लड़कियों को? अबे नहीं मुझको। अच्छा अच्छा समझ गई। अबे तू फिर समझ गई। अच्छा बात बोलूं, तू मुमताज से अच्छी है, हर बात समझ जाती है, समझाना नहीं पड़ता तुझे। मुमताज तो गई, उसकी जगह ही तो आई हूँ मैं। ये क्या कह रही हो तुम, मुमताज का ट्रांसफर हो गया? हाँ हो गया, तुम क्यों पूछ रहे हो? अबे तो हो गया तो हो गया, वैसे एक बात बता तू है कौन और नाम क्या है? कमर, कमर नाम है मेरा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये काया पलट कैसे गई? पता नहीं, वैसे ना आली जा को भी बोल दिया जाने का। मेरे को लगते ये जरूर आली जाने कोई चक्कर चलाया, वह शाहजहां तुम जल्दी से निकलो, आली जा को ढूंढ के पकड़ के दे क्या होगा सर। हमको एक बात बताओ, वो कौन सा मौके होते हैं जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को याद करते? मुसीबत के मौके सर। ना तो पैर ऐसे चो के ऊपर कौन सा मुसीबत आने वाला है सर, हो सकता है उनकी बेगम आने वाली हो। हाँ ये ठीक बोलते है, बेगम का सामने किसी का जोर बस नहीं चलते, बड़े बड़े सूरमा जो है ना वो बेगम के सामने ऐसी सर झुका के बाद खड़ा हो। आपकी बेगम के सामने? नहीं नहीं खाना, अपना अपना बेगम का सामने। सर मैंने बहुत से पिटे हुए इंसान देखे, ये देखे आप। ए, क्या बोलते है? सर जी मैं ना अपने लिए चाट लेके आता हूँ। वाह खुदा पाका, हमको समझ नहीं आते, ये 24 घंटे चाट कोई चाट ना लेते, वो और कोई चीज नहीं है दुनिया में, वो है चाट। वाह खुदा पाका, ये सच्चों को कौन चाट के? शाहजहां, शाहजहां तुमने आलीजा को देखा है? अबे यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। अभी पकड़ के लाई थी, मैडम शमीम के कमरे में था, पता नहीं कहाँ चला गया। अबे तुझे पता है हमारे SHO साहब को पता नहीं क्या कह दिया है, वो पक्के मुसलमान हो गए हैं वो। तो क्या वो पहले मुसलमान नहीं थे? अबे मेरा कहने का मतलब है कि वो जुम्मे के जुम्मे पढ़ते थे नमाज, जब से वो गया है ना अबे अब तो मुसल्ले से उठते ही नहीं है। अच्छा बड़ा ही फ्रॉडी है। बात सुन, तूने किसको बोला है? SHO साहब को हमारे? नहीं नहीं, ये आलीजा पता नहीं शमीम मैडम को क्या बोल के गया है, कमरा बंद करके नाच रही है वो तो। लगता है किसी खूबसूरत हीरोइन का ना लकब दे दिया होगा। हाँ भाई उनके मेकअप की ना थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो तो फूल के छत से लग जाती है, मैंने ऐसा सुना है। अब वो अगर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करूँ तो? मेरी तारीफ क्या करनी है, मैं तो हुई खूबसूरत। ओए होए ये हुई ना बात, आज दिल में ठंडक पड़ गई है, आज आ गया ना होठों पे ना है पर दिल में हाँ है। थोड़े से ना कोयले खा ले जलते हुए वो भी। ए, बात सुन,
तो आलीजा को पकड़ने जा रही है। मिलेगा तो पकड़ूंगी ना। वो तो मुझे भी पकड़ना है। चले काम करते हैं, मेरे साथ पकड़े। अच्छा चल फिर आजा साथ में। अबे तेरे साथ तो जहन्नुम में भी चला जाऊं मैं। जो तेरी हरकत है ना, तेरा ठिकाना वही है, ढीट कहीं का। चल हाँ हाँ ठीक है, बार बार फोन करके मेरा दिमाग मत खराब क्या करो। मैडम। हाँ बोलो। वो मैडम शमीम है ना, वो पता नहीं उनको क्या हो गया भाई, वो तो गाने भी गा रही है और नाच भी रही है। क्यों, उसकी माँ की शादी है क्या? नहीं मैडम, खुद ब खुद शर्मा रही है, ले जा रही है, खिलखिला रही है। ये तो मुझे पागल खाने का केस लगता है, थाने का नहीं। नहीं नहीं मैडम, ये तो प्यार का केस लगता है। लगता है अपनी मैडम समीम को भी प्यार हो ही गया। उस मेकअप की दुकान से कौन प्यार करेगा, जरा मुझे ये बताओ फिर दोस्त। अरे होगा कोई नाबीना, लव इज ब्लाइंड। एक काम करो, उसे जरा मेरे पास तो भेजो। उसको नाबीने को? ओहो शमीम को, समझ आई? हाँ समझ गई समझ गई, अभी मैं भेजती हूँ मैडम। मैडम मैडम, ये घूंघट की आड़ में दिलबर का। अरे मैडम ये घूंघट उठाएं, हसीन चेहरा तो दिखाइए। ना भाई ना, अब तो ये घूंघट ना वही उठाएंगे। वो कौन? वही जो मेरी जिंदगी में आने वाले हैं। अरे कौन है ये भूला भटका? अरे पागल की पुत्र, वही जिनसे मिलके ना मेरी उम्र 20 साल काट हो जाएगी। अगर ना हुई तो आप तो झूठी हो जाएंगी मैडम। तेरे मुंह में खाक, कूड़ा, क्रिकेट, कख। मैडम आखिर है कौन जिसकी खातिर आप घूंघट डाल के बैठ गई हैं? अरे पागल लड़की, क्या बताऊं कि वो कौन है? वो है जो नेक पाक गुनाह नहीं कभी किया हो। वो है ये दूल्हा वाला इंसान है किधर? साथ वाले थाने में SHO नूर। हैं SHO नूर, वो बूढ़ी खजूर बर्दाश्त। तमीज से बात कर, वो मेरे होने वाले वो है। अरे मैडम क्या हो गया आपको, उसके करप्शन के सारे किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर है। मशहूर थे, जा जा जाके अब देख उनके चेहरे पे कितना नूर है। आपने देखा है? ओए खोए, मैं जाने ही वाली थी कि ऊपर से मनहूस मारी तू आ गई। बस अब मैं जा रही हूँ, मेरी जिंदगी के 20 साल कम होने वाले हैं। मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही। क्या हो गया आपको? आप तो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे सुना था आपके बारे में। खातून, इस बेतकल्फी की वजह क्या है? क्या हो गया आपको? हाय क्या बताऊं, मुझे मब्दत हो गई है, यानी कि लव हो गया आपके साथ। देखो बाबा खातून, आप तशरीफ ले जाए। वैसे भी अब तौबा ताइब के दिन है, इस्लाम अब भी नाजिल हो चुका है, अब हम कोई बुरा काम कर नहीं सकते। मेहरबानी करके अपने घर में तशरीफ ले जाए, जा बाबा। ये तो बड़े शरीफ हो गए भाई। बहुत शरीफ, बहुत शरीफ। लवेखा, आपने मुझे डायरेक्ट बहन कह दिया। तो क्या आप कम उम्र है, दिल तो नहीं कह रहे? चलो बेटी कह देते। लवेखा बेटी, बेटी लगती हो आपको भाई। एक औरत आपको सरेआम खुली ऑफर कर रही है शादी की, और आप उसको कभी बहन कभी बेटी कह रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? बाबा तुम औरत क्या है, तुमसे किसने कहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मुझे ना उस आलीजान ने कहा है, उसने कहा है कि अगर आप मेरे साथ शादी कर लेंगे ना तो मेरी उम्र जो है ना 20 साल छोटी हो जाएगी, मैं यंग हो जाऊंगी। आलीजान? बाबा उसी घोड़े की वजह से तो मैं इंसान हुआ। उसने कहा है कि तुम्हारे दिन थोड़े रह गए, माइटी दी तो तौबा तायब करके अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। क्या लहजे, तो मुश्किल ही आसान हो गई। ऐसा करे कि आप फटाफट मेरे साथ मैरिज कर ले, उसके बाद बेशक ही आप मर मुर जाए। सियानी बिल्ली बड़ी तेज है, अपने मतलब के लिए पहले मुझसे शादी कर लो फिर भले मर जाओ। मेरी जिंदगी का तो खुद आधा घंटा चल रहा है। तौबा बाबा तौबा, अल्लाह ताला जी मैं क्या करूं, ये तो कुछ ज्यादा ही शरीफ हो गए, मेरे से पर्दा करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं, मैं जहर ही ना खा लूं, कहां चली जाऊं मैं कहां चली जाऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सलाम सेठ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बैठो बैठो बाबा, नमाज कायम करो। सेठ आप ठीक है? बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया ताराबाजी, आप लोग भी ठीक हो जाओ। ईमान वालों, एक दिन सबको उसके पास जाना है जैसे मुझे भी जाना है। नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें ना करें, आप चले जाएंगे तो हम तो माली तौर में यतीम हो जाएंगे सर। माली यतीम? बाबा मेरी क्या पौधों की नर्सरी आई,
नहीं 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 सर, माली मतलब पैसा दौलत। बाबा छोड़ दो दौलत रिश्वत पैसा। बाबा मुझे देखो, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि एक औरत आई थी जिसको मैं कभी ना छोड़ता, लेकिन मैंने उसको अपना बहन बना लिया। बाबा छोड़ दिए सब कुछ। वैसे भी हमको तो समझ नहीं आते कि अचानक आपका ये काया कैसे पलट गया। किसने कहानी में कोई तवीज तो नहीं दबा दिए? बाबा आलीजा आया था, उसने आके मेरे हाथ की लकीर देखी है, बोला बाबा आपके दिन थोड़े रह गए, अल्लाह अल्लाह करे, मैंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया है। वो नहीं सेब, हमको माफ कर दो, वो तो एक नंबर का पराठी है, उसका तो पूरा मोहल्ला से शिकायतें आते। वो आपके साथ भी कोई हाथ तो नहीं कर गया अपने फिर समय से तुम गए? बाबा फ्रॉड अपनी जगह, लेकिन उसका इल्म तो सवलीन है ना, वो हाथों की लकीरें पड़ता है। सर वो यही बातें करते तो फ्रॉड करता है। अब 170 साल बाबे को उसने कह दिया कि तुम्हारी शादी 25 साल दोषीजा से होगी। बड़ी बीजे सुन लिया, फौरन तल्ला हो गई। अरे बाबा तारा बाजी पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो समझ रहा था मेरा आखिरी घंटा चल रहा है। वो सेब वो पराठी वही इसी तरह तो पैसा इकट्ठा करते। आपने तो पैसे में से तो नहीं दिए? नहीं बाबा, मैंने पैसे तो नहीं दिए, वो मुझे 605 में डाल के उल्टे कदमों भागा है। वो देखो सेब, उसने भागना था वो भाग गया, वरना वो अकेले बंदे का हाथ देखते ना उसका पीस 10,000 रूपया देख। 10,000? जाओ उसको पकड़ के ला, उसको 10,011 जूते मारो। सेब देखो, हम उसको जूता का फैक्ट्री में ले जाते, इतना जूते तो मैं गली नहीं किया सकते। एक आध जोगर चाहिए तो वो है। अरे बाबा देखो हाथ इज वीक, आए मुसलमानों, देखो कोई मुसलमान शोर पुकार कर रहा है। चलो बाबा चलो, हेलो बाबा चलो, हेलो भाई ईमान वालो, इस बेचारे को क्यों मार रहे? अबे शाहजान शाबाश, बहुत अच्छा किया, पकड़ लिया सराड़िए को, यहाँ पे लिया सराड़िए को। कैसे लेके जाएंगे? अपन लोगों ने पकड़ा है, ऐसे कैसे लेके जाएंगे? हमारे यहाँ से भागाएंगे पहले। अच्छा पहले घर तो हमारे यहाँ से भागा पहले, तुम्हारे बात तो हमने पड़ा था इसको। वो देखो मेरा वादा बहन। चुप कर, मेरे को कितने बड़ी तुम्हारी उम्र है, मेरी बड़ी बहन लगा रहता हर वक्त। और तुम हमको आज एक गल तो बताओ, तुमको वादा पे एतराज है या बहन पे? बहन पे। बहन पे एतराज है, ठीक है। नहीं अब हम आपको सिर्फ वादा बोलेगा, ये लो जमाने को सत्ते के नंबर बताते। देखो सुमी ये क्या कह रहे? और मैडम जी मैं तो कहती हूँ इसको मेरे वाले करो, वे छितर मार मार के इसकी चमड़ी तैयार दूंगी मैं। अरे बाबा एक मिनट ठहरो, शमीम है? अरे इसने एक मॉडर्न आदमी के साथ इस्लाम के नाम पे धोखा किया है। वो मॉडर्न आदमी है कौन? ये सामने खड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब हम लोग मिल के, मेरा मतलब है कहीं इज्तमाही निकल निकल तशद्दुद करते हैं। चटपटा चौक है, चटपटा चौक है, चटपटा चौक है, चटपटा चौक। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।